तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मॉनेस्ट्री पे गाइस। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अपने गाड़ी को लगाएंगे साइड पे पार्किंग पे, उसके बाद अंदर जाके थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह या फिर आप लोगों को दिखाएंगे अंदर क्या है क्या नहीं है। गाइस ये चेक करो गाइस, क्या मस्त वाला नजारा, मस्त ही दिख रहा है गाइस। फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, तो आने के बाद भी मतलब ये वाला नजारा देखने में बहुत ही मजा आ गया। तो ये चेक करो गाइस, ये चेक करो। हेलो नमस्ते, होप यू आर फाइन। दिस इज क्रेजी ड्रामर लॉगिंग इन अ न्यू व्लॉग। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इतना ज़्यादा बहुत सारे टू व्हीलर्स, क्योंकि आज है इंडिजिनस डे। और आप सभी सब जितने भी ये व्लॉग देख रहे हैं, जितने भी मतलब ये वीडियो चेक कर रहे हैं, सबको मेरे तरफ से हैप्पी वर्ल्ड इंडिजिनस डे। तो आज स्पेशल उतना तो नहीं है, और आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल और टाइटल देख के कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं गाइस। तो एग्जैक्ट अभी हम लोग है उतलाबाड़ी में, पेट्रोल डलाने का काम हो चुका है और देख सकते हैं हाफ टैंक पेट्रोल हो चुका है। अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। पता नहीं हम लोग का ये ब्लॉग अभी कहाँ पे एंड होगा, लेकिन हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ से। और आज मेरा साथ है अपना भाई आदर्श। तो आदर्श आज मेरे साथ में जा रहे वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग में वो भी आज इंक्लूड हो रहा है। और शुरू से लेके अंत तक आप जुड़े रहना गाइस। तो ऐसा करते गाइस कि हम लोग अभी है लावाड़ी में, तो यहाँ से निकलते अभी टाइम तो कितना होगा वो नहीं बोल सकते गाइस, तो फिर भी आप लोग ये ब्लॉग देखते रहना गाइस। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, सी यू गाइस। अभी हम लोग पहुंचे हैं इस तरीके की लोकेशन पे, और ये है हमारे फेमस उतलाबाड़ी के फ्लाई ओवर। ये वाला फ्लाई ओवर में ना लीन करना क्या ही मजा आता है गाइस, बहुत ही मतलब इतना मजा आता है ना, क्या ही बोले, शब्दों में बयान नहीं कर सकते गाइस। ये वाला फ्लाई ओवर जो है ना गाइस, इतना मस्त बना हुआ है ना, क्या ही मजा ही आता है। ओ हो, ये और ये वाला आप नजारा चेक करो गाइस, क्या ही मस्त दिख रहा है। वो ऊपर में इतना बड़े बड़े से पहाड़, हरा भरा वाला पहाड़, कितना ग्रीनरी दिख रहा है। और यहाँ का रोड इतना मस्त बनाया हुआ गाइस, ये फ्लाईओवर इतना अच्छा है ना गाइस, क्या ही बोले, मतलब चलाने में भी कितना मजा आता है। तो देख सकते हो गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं इस तरह की लोकेशन पे। आज का मौसम इतना बढ़िया हुआ है ना गाइस, क्या ही बोले, मतलब ये मौसम में घूमने के लिए ना गाइस कितना मजा ही आता है एकदम। मतलब धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, और ठंडी ठंडी हवा चल रहा है गाइस, क्या रोमांटिक वाला सीन हो चुका है गाइस। और अभी हम लोग पहुंचे हैं इस तरह के लोकेशन पे, और इसे हम लोग कहते हैं डाम डीम। अगर आप लेफ्ट से जाएंगे तो आप जाएंगे सीधा गोरुबथान के तरफ, और गोरुबथान के बाद आप जा सकते हैं लावा, लावा के बाद आप लोग जा सकते हैं कैलिमपोंग, जहाँ की हम लोग ने 500 सब्सक्राइबर स्पेशल में वीडियो बनाने के लिए गए थे। अगर वो वीडियो चेक नहीं किया है तो ऊपर में जो आई बटन दिख रहे हैं वहाँ पे प्रेस कीजिए, और वो वाला वीडियो आप लोग चेक करेगा। अगर आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करना है, जैसे कि हो गया मणिपुर, शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश, ये रास्ते से भी आप लोग जा सकते हो गाइस। अभी हम लोग ये आज जो जगह आप लोगों को लेके जाने वाला था वो जगह आने वाला है, तो हम लोग का आगे से लेना पड़ेगा लेफ्ट। ये जो जगह देख रहे हैं ये है डामडीम के थोड़ा आगे लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे आने के बाद आपको यहाँ से छोटा गली है, वो गली से आपको लेना है लेफ्ट। कौन सा वाला गली है, कौन सा वाला गली नहीं है, शायद यही वाला गली होगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे ब्रदर, ये जो गुम्बा है ना, ये रास्ता जाता है ना, ये वाला है ना, सीधा जी। ओके थैंक यू। तो चलिए गाइस रास्ता तो मिल गया हम लोग को, ये वाला रास्ता है जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब जो रास्ता है मतलब उतना खास नहीं है, बिगड़ा हुआ है, मतलब बिगड़ा हुआ बोलने से भी पीच वाला रोड नहीं है, जो कि हम लोग स्पेशल ट्रैवल करते हैं वो वाला रोड नहीं है। तो हम लोग को थोड़ा आराम आराम से जाना पड़ेगा ये वाला रास्ता, ज़्यादा स्पीड नहीं भगाएंगे, ज़्यादा स्पीड नहीं जाएंगे, गाड़ी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे। हम लोग को थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है यहाँ का मॉनेस्ट्री, तो पहले तो पहुँचेंगे वहाँ पे। और ये वाला रास्ता तो क्या ही दिखाओ गाइस, अभी पहुँचने तो वाले एक ही रास्ता है, सीधा स्ट्रेट जाने से तो आप पहुँच जाएंगे। तो हम लोग जहाँ पहुँचेंगे ना, वहाँ पहुँचने के बाद आपके साथ बात करेंगे। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे डामडीम का जो मॉनेस्ट्री है, हम लोग पहुँच चुके हैं मॉनेस्ट्री पे गाइस। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अपने गाड़ी को लगाएंगे साइड पे पार्किंग पे, उसके बाद अंदर जाके थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह या फिर आप लोगों को दिखाएंगे अंदर क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे हमारे भाई आदर्श, तो भाई मज़ा आ रहा है, अभी अंदर जाके देखेंगे चेक करेंगे क्या नहीं है क्या है, ठीक है।
तो गाइस ऐसा करते हैं ना, हम लोग अंदर जाते हैं, फिर आपको आपके साथ बात करेंगे। सी यू गाइस। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंचे इस तरीके की लोकेशन पे। तो आप ये चेक करो गाइस, ये वाला जो नज़ारा देख रहे हो ना, आज हम लोग इस जगह में घूमेंगे। और आदर्श भाई भी रेडी हो चुका है। और आदर्श भाई आज अंदर पूरा घूमेंगे ना, क्या बोलते हो? हाँ, क्या बोलते हो? आज साथ में घूमेंगे ना, देखेंगे ना क्या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो गाइस उतना मालूम नहीं है। यहीं पे सामने, इतना सामने पे हम लोग का घर है, फिर भी हम लोग ये वाला मोनेस्ट्री अब तक विजिट नहीं किए थे। और ये तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है, भाई का भी फर्स्ट टाइम ही होगा ना, हम लोग का दोनों का फर्स्ट टाइम है। और वीडियो में क्या होगा क्या नहीं होगा आपको दिखा देंगे, यहाँ का नज़ारा, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और यहाँ का वाइब्स कैसा है, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे गाइस। यहाँ का नज़ारा चेक करो गाइस, क्या मस्त दिख रहा है गाइस, क्या यहाँ का ये जो मतलब ये पेड़ वगैरह लगाया हुआ है ना, इसकी वजह से यहाँ का मतलब सीनरी हो जो भी है इतना खास दिख रहा है ना, क्या ही बोले गाइस। ये वाला नज़ारा चेक करो गाइस, और ये पेड़ की वजह से और यहाँ का मतलब वाइब्स है ना, जो मतलब दिखता है ना, क्या मस्त दिख रहा है गाइस, वाओ आई लव इट। ये चेक करो, और पेड़ के नीचे मतलब बैठने के लिए भी जगह बनाया हुआ है वहाँ पे चेक करो गाइस। उसके बाद यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। और गाइस यहाँ पे ना अनोखा वाला पेड़ देखने को मिला हम लोग को, ये वाला पेड़ देख सकते हैं गाइस, दिखने में भी मतलब कुछ अलग से दिख रहा है। और पाइन ट्रीज यहाँ का ना इतना कटिंग करके ये जो ओवल शेप में बनाया हुआ है ना, क्या मस्त ही लग रहा है गाइस। ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है तो यहाँ पे मतलब उतना ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है, नॉर्मल वाला जो भी टेम्परेचर है बाहर पे वहाँ से थोड़ा बहुत कम है यहाँ पे, मतलब यहाँ का वेदर थोड़ा अच्छा लगा हमको, कूल कूल वाला, ठंडे ठंडे कूल कूल डर्मी कूल ना भाई, ठंडा ठंडा कूल कूल डर्मी कूल। और वहाँ पे मतलब दो तीन भैया लोग फोटो खींच रहे, तो जब मैंने बोला कि ठंडा ठंडा कूल कूल तो वो लोग भी हंस रहे। तो ये नज़ारा हमको बहुत पसंद आया यार, सीरियसली। तो चलो मोनेस्ट्री को कर देंगे बाय बाय, आदर्श भाई बाय बाय कर दो ना, बाय बाय मोनेस्ट्री को, बाय बाय। तो अभी निकलेंगे मोनेस्ट्री से। ओहो, फाइनली आज डामडीम का जो मोनेस्ट्री था, हम लोग आज मोनेस्ट्री विजिट कर चुके हैं। तो अभी हम लोग फिर से रिटर्न हो रहे अपने घर की तरफ, और मैं सोच रहा हूँ ना जब मेरा 1K हो जाएगा तो एक आप लोगों के लिए गिव अवे रखूँ, और गिव अवे में क्या रखने वाला वो मैं आप लोगों को एक सरप्राइज में रख लूँगा। आप लोगों को कुछ भी मैं दे सकता हूँ। और देखिए गाइस, मैं उतना ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ, उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, मेरे पास उतना ज़्यादा पैसे भी नहीं है, जितना हो सकता है मेरे तरफ से मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगा, आप लोगों के लिए एक छोटा मोटा सा गिफ्ट मैं रेडी करके आप लोगों को दूंगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहो। हम तो घर तो पहुँच चुके थे, लेकिन घर पर आने के बाद ब्लॉग स्टार्ट तो नहीं किया, तो अभी हम लोग घर पर, तो आज हमारे पापा का बर्थडे है, तो होममेड केक हमारे मामी ने बनाया था, तो आज घर पे ही छोटा मोटा मतलब केक काट के पापा को विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. तो ये हमारे होममेड केक जो कि हमारे मामी ने बनाया है, और केक खाने का कार्यक्रम हो चुका है समाप्त, और
आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलो ना। आज मेरा हस्बैंड का जन्मदिन है, तो उन्हें बहुत सारा आशीष देना। और पापा को कुछ बोलना है तो बोलिए। मैं क्या बोलूं, जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मैं यही बोलता हूँ। तो गाइस आज पापा का बर्थडे था, तो बर्थडे पे केक वेक कटने का जो भी सीन था वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोगों को पापा को विश करना है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर विश करना गाइस। तो होप करता हूँ आज का जो मतलब वीडियो था आप लोगों को पसंद आया होगा। आज थोड़ा फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर ही दिया गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों का प्यार, जो ऐसा प्यार दे रहे हो, आप लोगों का प्यार की वजह से गाइज आज हम लोग ये व्लॉग कर पा रहे हैं और आपको दिखा पा रहे हैं कि हम लोग का लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो होप करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना गाइज। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सा वीडियो और लेके आऊँगा आगे में भी। दिस इज क्रेजी ड्रमर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस ब्लॉग। मिलते हैं अगली वाली बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए दस विद्दानिया, राइट सेफ, राइट हार्ड एंड पीस आउट। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलो ना। कुछ बोलना है आपको? इस तो पर के रहे हैं तो बोलिया हो सकता अंदर मनु ना।